नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको धातुओं के बारे में बता रहा हूँ। धातुओं में स्वर्ण, रजत और ताम्र के बारे में मैं आपको अब तक के अध्याय में बता चुका हूँ। अब ताम्र के बाद में लोह का वर्णन होगा। लोह धातु के बारे में आपको बताऊँगा, तो लोह धातु के बारे में आप अब ध्यानपूर्वक सुने और कोई भी समस्या हो तो मेरे को बाद में किसी रिवीजन चैप्टर में पूछें, समझें, बताएं। मैं इसका जब पूरा, मैंने जैसे पिछली बार रस महारस का आपको अध्ययन कराया था, तो मैं एक चैप्टर इसीलिए का लिया था कि आपको पूरा मैंने समराइज किया था। तो जब धातु पूर्ण हो जाएगी तो एक चैप्टर इसी का होगा कि सारी धातुओं के बारे में आपको कुछ कुछ विशेष बातें आपको समझाऊँगा। अब आप लोह के बारे में आप समझिए। लोह धातु जो है, इसको नाम संस्कृत में लोह है, आयस कहते हैं, हिंदी में लोहा कहते हैं, अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लैटिन में फेरियम कहते हैं, संकेत Fe है, आपेक्षिक घनत्व 7.86 है, परमाणु भार 55.85 है, 55.85 है, परमाणु संख्या 26 है, परमाणु बंधन क्षमता 2 और 3 है, द्रव्यमान 1533 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1533 डिग्री सेंटीग्रेड, शुद्ध लोहे का द्रव्यमान 1580 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1580 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्वथनांक 2450 2450 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड तक है। पर्याय इसके हैं, आयस, आयस, कालायस, शस्त्र लोह, तीक्ष्णक लोह, सार लोह, ये इसके सब पर्याय हैं। इन नामों से इसे पुकारा जाता है शास्त्रों में। उत्पत्ति पौराणिक मान्यता के अनुसार लोहे की उत्पत्ति है। लोहे की उत्पत्ति साक्षात कालमूर्ति यमराज से हुई है। लोहे की मूर्ति काल का जो देवता है यमराज, उससे मानी गई है। देव दानव युद्ध में लोहासुर दैत्य का अंग कट कर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ लोहे की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इतिहास, ज्ञान का विकास क्रम में स्वर्ण, रजत, ताम्र के बाद लोहे का ज्ञान लोगों को हुआ। लोहे की व्यापक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोह युग की संज्ञा भी दी गई है। अत्यधिक उपयोग होता है इसका, इसलिए लोह युग की संज्ञा भी इसको दे दी गई है। लोह युग के ना लोह पुरुष भी लोगों को कहा गया है। शरीर को लोह के समान बनाने के लिए भी शास्त्रों में कहा गया है कि लोह के समान शरीर को बना देते हैं, मतलब दृढ़ कर देते हैं, तो लोहा का उदाहरण अत्यधिक मिलता है। वैदिक साहित्य में लोहे की अनेक बार उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में 4वीं शताब्दी में कुतुब मीनार के पास रखे लोहे स्तंभ का खुले वातावरण में जंग रहित सुरक्षित रहना, विजय स्तंभ जगन्नाथ मंदिर में बड़े बड़े विशाल खंभे, सोमनाथ मंदिर में दरवाजे आज भी हैं, लोहे की औषधीय गुणों का ज्ञान चरक संहिता काल में उपयोग, अयस्कृति भस्म चूर्ण वटी अवलेह वटक वर्ती एवं आसव अरिष्टों के माध्यम से होने लगा था, चरक संहिता के काल में था। रसशास्त्र के विकास क्रम में इसके शोधन मारण आदि विधियों का और भी विधिवत रूप से इसका विकास हुआ। ये रसशास्त्र के शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। परिचय इसका, लोह साधारण हल्के भूरे रंग की चमकीली धातु है, साधारण धातु है, ज़्यादा स्वर्ण रजत ताम्र की तरह महंगी नहीं है। लोह का
लोह पर वातावरण का, ऑक्सीजन का, जल वाष्प का बड़ी तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। खुली हवा में रखने से इसमें कलर भी चेंज होता है, इसमें जिससे इसमें जल्दी ही जंग लग जाता है। इसी कारण यह धातु अधिक समय तक शुद्ध रूप में नहीं रह पाती। शुद्ध लोहा मजबूत, मृदु, आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का मतलब चोट मारो तो बढ़ेगा, टूटेगा नहीं। आघात मारने से वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, वो शुद्ध लोहे के लक्षण है। आघात वर्धनीय है यह। मुक्ता स्वरूप का भी उल्का पातादि, यह मुक्त स्वरूप में उल्का पातादि के कारण कई देशों में मिलता है। अन्यथा खनिजों से इसकी प्राप्ति होती है। खनिज द्रव्य होते हैं, मतलब कारखानों से, खनिजों से इसका खनिज रूप में प्राप्त होता है। प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है इसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। प्राप्ति के स्रोत क्या, मतलब किस किस से मिलता है, स्रोत कौन कौन से हैं, उसमें है प्राप्ति स्रोत में लोह खनिज, गैरिक माक्षिक आदि। वानस्पतिक खनिज में तो गैरिक और माक्षिक आदि से, वानस्पतिक में पेड़ों की हरी पत्तियां, चौलाई आदि से, तथा प्राणिज में रक्त, हीमोग्लोबिन, लीवर, तीनों स्रोतों से उपलब्ध होता है। तीनों स्रोतों में उपलब्ध होता है, मतलब ये खनिज भी है, वानस्पतिक भी है और प्राणिज से भी होता है। खनिज, वानस्पतिक और प्राणिज तीनों रूप में इसका, इसके प्राप्ति स्रोत हैं। प्राप्ति स्रोत इनके तीनों हैं। लोह के प्रधान खनिज कौन कौन से हैं? जिन खनिजों में से लोहा प्राप्त किया जाता है वे निम्न हैं। गैरिक, इसके अंतर्गत रक्त गैरिक, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक का समावेश होता है। यह लोहे का ऑक्साइड होता है, इससे लोहा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पीले और कपिल वर्ण के गैरिक, मैग्नेटाइट, सिटेराइट और रौप्य माक्षिक से भी लोहा के खनिज हैं। भारत में लोहे की प्राप्ति का सबसे उत्तम, सस्ता और सुलभ खनिज गैरिक ही है। भारत में सबसे सस्ता, सुलभ और सबसे अधिक जो है गैरिक में से ही प्राप्त होता है, जिसमें 65% से 70% तक लोहा पाया जाता है गैरिक में। लोहा प्राप्ति के लिए इसे लकड़ी या पत्थर के कोयलों के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खूब गर्म किया जाता है गैरिक को, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के रूप साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाता है, तथा लोहा धातु भट्टी के अंदर की अत्यधिक उष्णता से द्रवित होकर भट्टी के तल में जमा हो जाता है। इस प्रकार से इससे लोहा प्राप्त किया जाता है गैरिक से। ये लोहा प्राप्त करने का इसमें उत्तम तरीका है। ढलवान लोहा या पिग आयरन वो कैसा है? भट्टी के तल भाग में एकत्रित तरल लोहे द्वर लोहा द्रव एवं ढांचों में ढालकर, तरल लोहा होता है उसको ढांचों में डाल करके विविध उपयोगी सामग्री बनानी जाती है। जैसे तरल लोहा है तो उसको किसी भी ढांचे में डालेंगे तो वैसे बन जाएगी। जैसे तलवार बनानी है, तलवार के ढांचे में डाल दो, बर्तन बनाने बर्तन में डाल दो, जिस प्रकार जो भी चीज़ बनानी है उसको उसी रूप में वो बन जाता है तरल लोहा। इसे कास्ट आयरन तथा ढलवा लोहा, कास्ट ढांचा कहते हैं। जब इसी के 3 फीट लंबे और 3-4 इंच मोटे टुकड़े ढाले जाते हैं उसका पिग आयरन कहते हैं। ढलवा लोहा अत्यंत भंगुर होता है और आघात वर्धनीय नहीं होता। ढलवा लोहा जो जो लोहे को अपन ढालेंगे ना, वो लोहा जो है आघात वर्धनीय नहीं है, वो टूट जाता है, आघात वर्धनीय नहीं कह सकते उसको। पिटवा लोहा, यदि लोहे में से संपूर्ण अशुद्धियाँ को हटा दिया जाए तो शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, जिसे व्यवहार में पिटवा या रॉट आयरन कहते हैं। पिटवा लोहा कठिन किंतु आघात वर्धनीय होता है। लोह खनिज की प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं? लोह खनिज विश्व के सभी देशों में न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भारत में दक्षिण बिहार के सिंहभूमि, पलागू, हजारीबाग जिले, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहे के भेद कौन कौन से हैं?
मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह, कांत लोह, मुंड लोह, कास्ट आयरन, तीक्ष्ण लोह, रोट आयरन, कांत लोह, इस प्रकार से तीन प्रकार के लोह बताए गए हैं। मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह और कांत लोह, ये लोहे के भेद हैं। इसमें मुंड से तीक्ष्ण को श्रेष्ठ तथा तीक्ष्ण से कांत को श्रेष्ठ माना जाता है। इससे मुंड से तीक्ष्ण को और तीक्ष्ण कांत लोह को श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात कांत लोह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कांत लोह वह सर्वश्रेष्ठ है। मुंड से तीक्ष्ण और तीक्ष्ण से कांत अधिक गुण वाला होता है, अतः औषधि निर्माण के लिए तीक्ष्ण या कांत लोह का प्रयोग करना चाहिए। लोहों का अवान्तर भेद। मुंड लोह के तीन भेद होते हैं, एक मृदुमुंड, कुंठमुंड व कड़ारमुंड। तीक्ष्ण मुंड के छह भेद होते हैं, खरतीक्ष्ण, सार तीक्ष्ण, रन्नाल तीक्ष्ण, तारावट तीक्ष्ण, वाजिर तीक्ष्ण एवं कांत लोह तीक्ष्ण। कांत लोह के पांच भेद हैं, अभ्रक कांत लोह, चुंबक कांत लोह, कर्षक कांत लोह, द्रावक कांत लोह और रोमकांत कांत लोह। इस प्रकार से इनके अलग अलग भेद बताए गए हैं। लोह भेदों के लक्षण, इनके अलग अलग लक्षण सबके बताए गए हैं। मुंड लोह भेद के लक्षण, मुंड मृदु मुंड लोह जो अग्नि में शीघ्र द्रवित हो, आघात से जो जल्दी टूटता हो, फूटता न हो, वह चिकना हो, वह उत्तम मुंड लोह है। कुंड मंडार लोह जो ठोकने पीटने से कठिनता से फैलता हो, उसे कुंठ मुंड लोह कहते हैं, ये मध्यम माना जाता है। कड़ार मुंड लोह जो हथौड़े के आघात से आसानी से फट जाए तथा जिसका तुरंत फटा हुआ भाग कृष्णवर्ण का हो जाए, उसे कड़ार जाति का मुंड लोह कहते हैं, यह निकृष्ट माना जाता है। सबसे ये उपयोग के लिए नहीं है, ये नहीं माना जाता। तीक्ष्ण लोह के भेदों के लक्षण क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है कि खर तीक्ष्ण लोह जो तीक्ष्ण लोह कठोर हो, जिसमें पोगर नहीं हो, जो झुकने पर टूट जाता हो, झुकाने पर, उसे खर जाति का तीक्ष्ण लोह जानना चाहिए। सार तीक्ष्ण लोह वेग से फटने पर जिसकी धार टूट जाए तथा जिसमें पोगर का आवाज हो, वह सार जाति का तीक्ष्ण लोह है। यह पांडुर्वर्ण का भूमि में उत्पन्न होता है। रन्नाल तीक्ष्ण लोह यह काले से सफ़ेद वर्ण का होता है। इसे चंचु बीज के सदृश सौत्रिक विद्यमान रहती है, तोड़ने पर यह अत्यंत कठिन होता है। यह रन्नाल तीक्ष्ण लोह है। तारावट तीक्ष्ण लोह पोगर युक्त तीक्ष्ण लोह का तारावट तीक्ष्ण लोह कहते हैं, जिसमें पोगर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाजिर तीक्ष्ण लोह जिस तीक्ष्ण लोह पर पोगर वज्र के समान कठोर अर्थात न टूटने वाला हो, चमकदार हो तथा घनी सूक्ष्म रेखाओं वाला हो, युक्त हो तथा चिपका हो, श्याम वर्ण एम हो, उसे वाजिर तीक्ष्ण लोह कहते हैं। कालायस तीक्ष्ण लोह जो तीक्ष्ण लोह नील कृष्ण वर्ण का सांद्र चिकना भारी एवं चमकदार हो, जिसकी धार लोहे के आघात से न टूटती हो, उसे कालायस तीक्ष्ण लोह कहते हैं। इनमें खर से सार, सार से रन्नाल, रन्नाल से तारावट, तारावट से वाजिर और वाजिर से कालायस तीक्ष्ण लोह क्रमशः एक से एक बढ़कर 100 गुना अधिक श्रेष्ठ गुणों वाले माने जाते हैं। तो कुल मिला के वाजिर कालायस तीक्ष्ण लोह सबसे श्रेष्ठ हुआ। पोसार अंग छाया और वंग ये योगर के पर्याय हैं। लोहे को तोड़ने पर उसमें से जो भंगुर एवं केशाकृति रचना दृष्टिगोचर होती है, उन रेखाओं को पोगर कहते हैं। मतलब पोगर उसे कहते हैं जो रेखाएं दिखती हैं, उन्हें पोगर कहते हैं। कांत लोहे के भेदों के लक्षण क्या हैं? भ्रामक लोहे की छोटी छोटी वस्तु को कांत लोह के निकट ले जाने पर यदि वह छुआ लेता है अथवा चुंबक की
चंचल कर देता है तो उसे भ्रामक कांत लोह कहते हैं, चंचल कर देता है। चुंबक, छोटे छोटे हल्के लोहे के पास ले जाने पर कांत लोह चूम लेता हो, चिपक जाता हो, उसे चुंबक कांत लोह कहते हैं। कर्षक, जो लोहे को चूम ले और छोटे 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 मोटे लोहे को खींच सकता हो उसे कर्षक कांत लोह कहते हैं। द्रावक, इस जाति का कांत लोह छोटे मोटे लोहे के टुकड़े को विकर्षित यानी पीछे धकेलना कर देता है अथवा खींच लेता है उसे द्रावक कांत लोह कहते हैं। रोमकांत, जिस कांत लोह को काट देने पर उसके कण उसमें रोए की भांति चिपक कर रहें खड़े हो जाते हों उसे रोमकांत लोह कहते हैं। भ्रामक को कनिष्ठ, चुंबक को मध्यम, कर्षक को उत्तम और द्रावक को उत्तमोत्तम माना जाता है। भ्रामक एवं चुंबक लोह व्याधियों का नाश करने वाले तथा कर्षक और द्रावक देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाले होते हैं। इस प्रकार से इसका वर्णन आपको किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।